सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं स्वरमाला का चौथा अक्षर, और वो अक्षर है बड़ी ई। बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख, जिसे हम गन्ना कहते हैं। इसको सीखने के बाद अब हम इसे हम 5 लाइन की कॉपी में लिखने का अभ्यास करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर सेकंड लाइन पे डॉट्स लगाए हैं कॉपी में। हम यहाँ पर अपनी पेंसिल से स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, थर्ड लाइन के नीचे यहाँ से घुमा के फोर्थ लाइन पे लाएंगे स्लीपिंग लाइन, और यहाँ रेड लाइन पे एक मात्रा बनेगी बड़ी ई। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और इस लाइन को हम फोर्थ लाइन पे लाएंगे स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, और ऊपर ई की मात्रा रेड लाइन पे लगाएंगे। बड़ी ई से ईक। सभी बच्चे अपनी पेंसिल को शार्प करेंगे और हाथों को उठाना नहीं है, धीरे धीरे बड़ी ई लिखने का अभ्यास करना है। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से घुमा के फोर्थ लाइन पे और ऊपर स्लीपिंग लाइन, और ये मात्रा। मैम ने बड़ी ई आपको पहले भी सिखाई है। इस समय हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, जो आपने सीखा है उसका दौरान एक बार फिर से हम कर रहे हैं, और आप इसे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने का अभ्यास करेंगे। बड़ी ई से ईक। स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट, घुमा के ये लाइन फोर्थ लाइन पे आएगी, सेकंड लाइन पे स्लीपिंग लाइन, और यहाँ एक मात्रा। जिन बच्चों ने शुरू से इसका अभ्यास नहीं किया है, वो सभी बच्चे मैम के साथ इस वीडियो को देख के और लिखित अभ्यास करेंगे और अपने वीडियोस मैम को भेजेंगे। तो ये था बड़ी ई से ईख। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।